जब भी कुछ स्वादिष्ट खाने का मन होता है या फिर सिंपल खाने का मन होता है, कम तेल मसाले वाला, तो पहला नाम आता है कि हम दाल चावल रोटी सूखी सब्जी बना लें, वो जल्दी बन भी जाती है। या फिर नाम आती है दूसरी कि कढ़ी चावल बनाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग बनाते हैं कढ़ी चावल। तो सबसे पहले हम चावल को भिगो के रखेंगे। तो 2 कप चावल लिया है और ये पक्का चावल है, तो चावल को 2-3 बार पानी से धो लेंगे। देखिए, जब तक चावल का साफ पानी ना निकलने लग जाए तब तक चावल को धो लेंगे, क्योंकि इसमें ना पाउडर होते हैं, उस पाउडर को निकालना ज़रूरी होता है। तो अच्छे से रगड़ेंगे, और ये पक्का चावल है ना तो ये टूटते भी नहीं हैं। अगर आप कच्चे चावल बना रहे हैं तो उसका मेजरमेंट अलग होता है। 2 कप चावल लिया है तो इसमें 3 कप सेम कप से पानी लेंगे। नापने के लिए कोई कटोरी गिलास ले सकते हैं। 1 कप चावल में 1.5 कप पानी डलता है। अब इस चावल में थोड़ा सा घी, थोड़ा नमक और आधा नींबू का जूस डाल दिया है, ताकि चावल हमारा सॉफ्ट और खिला खिला बन करके तैयार हो। चावल को अभी 10-15 मिनट के लिए भिगो दिया है। इसके बाद उसमें 2 सीटी हम लगा लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे मैंने ली है लस्सी, तो ये लस्सी ज़्यादा खट्टी नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे लिया 1 कप दही। दही में डाला है 2 से 3 चम्मच बेसन, और इसमें हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, आप चाहे तो इसमें जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। बस मैंने इतना ही मसाला डाला है, और इसे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, इस टाइम पे दही में हम नमक नहीं डालेंगे, सिर्फ मसाला बेसन ही डालना है। और इस टाइम पे अच्छे तरीके से घोल लेंगे, बिना गुठलियाँ वाला घोल तैयार करना है। अब इस घोल को डाल देंगे लस्सी में, और थोड़ा सा दही इसमें बचा लेंगे। तो जब भी आप कढ़ी बनाते हैं ना, तो लस्सी हो या फिर दही, उसे चेक करके बनाइए, क्योंकि पकने के बाद और ज़्यादा खट्टा हो जाता है। तो खट्टी दही तो चाहिए, पर ज़्यादा खट्टी दही होता है तो उसमें पानी मिलाने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि दही या फिर लस्सी कितनी खट्टी है, तो उसके हिसाब से पानी मिलाएंगे। इसके बाद बेसन भी उसी के हिसाब से मिलाया जाता है कि कितना क्वांटिटी में हमने लस्सी या फिर दही लिया है, उसके हिसाब से ही बेसन मिलाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो है दही और बेसन वाली घोल तैयार हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इस कढ़ी को ना तेज़ आंच पे लगातार मिक्स करते रहेंगे, जब तक इसमें से उबाल नहीं आ जाती है। अगर हम बीच में छोड़ देंगे ना, तो वो दही फट जाती है ना, तो वो फिर देखने में अच्छी लगती है ना ही खाने में अच्छी लगती है। तो मैंने ये काम करने के लिए अपने बेटे को लगा दिया था। मैं यहाँ पे बना रही हूँ पकौड़े के लिए, बैटर बना रही हूँ। तो इसमें लिया है 2 से 3 चम्मच बेसन, थोड़ा सा पानी डाल के घोल लिया। इसमें कुछ मसाला डालेंगे, तो लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, साबुत जीरा और अजवाइन, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग इसी टाइम पे डालेंगे। और 1 पिंच जितना हींग आप यहाँ पे ज़रूर से डालिएगा। मैं ना ज़्यादा हींग कढ़ी में डाल दूँगी, तो एडजस्ट हो जाएगा। अब इसे 3 से 4 मिनट तक लगातार फेंटते रहेंगे, तभी हमारा पकौड़ा फूला फूला बनेगा। देखिए, कढ़ी में उबाल आ गया है, तो इसे सिम करके 10 से 15 मिनट के लिए कढ़ी को करने के लिए छोड़ देंगे, तभी कढ़ी हमारी अच्छी बनेगी। अब देखिए, ये कढ़ी परफेक्ट है, ना तो ज़्यादा गाढ़ी है ना पतली है, क्योंकि इसमें पकौड़ा डालेंगे ना तो पकौड़ा भी और पानी को एब्जॉर्ब करेगा, तो कढ़ी और गाढ़ी हो जाएगी। कढ़ी को दूसरे साइड हम सिम पे पकने के लिए छोड़ दिया है, और हम यहाँ पे पकौड़े के लिए बैटर को तैयार कर लेते हैं। तो 3 से 4 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे। सारे मसाला डालने के बाद मैं हल्दी डालना भूल गई थी, तो हल्दी डाल के मिक्स करके 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया है, और ये स्टेप ज़रूरी है, तभी पकौड़ा हमारा फूले फूले जालीदार बन के तैयार होंगे। आलू की सब्जी बना रही हूँ मैं यहाँ पे, सूखी सब्जी, जो कि इसे आप रोटी में खा सकते हैं, बच्चों के लंच में दे सकते हैं, दाल चावल के साथ साइड में तो इसे खाया ही जाता है। ये सब्जी खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, बनाना बहुत आसान है।
तो देखिए आलू को एक ही साइज का आलू लिया है और आलू को धो लिया पहले। इसका छिलका नहीं निकाला जाता है, आप चाहे तो छिलका भी निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले आलू को ना पतले पतले स्लाइस पे कट करेंगे, आपको जितना पतला हो सकता है उतना पतला काट सकते हैं। और इसके बाद फिर से इसे कट करेंगे। तो ये देखिए इसी तरीके से सारे आलू मैं कट करके तैयार कर लूँगी। और आलू को काटने के बाद दो तीन बार पानी से आलू को धोना है, क्योंकि आलू में भी स्टार्च होते हैं तो उसे निकालना ज़रूरी है। अगर नहीं धोएंगे ना अच्छे से तो आलू को पकाने के टाइम आलू एक दूसरे में चिपक जाते हैं। आलू को धो के एक टोकरी में पानी निकलने के लिए रख दिया है। अब हम लेंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे। तेल गरम होते ही डालेंगे तेज पत्ता और जीरा, आप चाहे तो यहाँ पे हरी मिर्च भी ले सकते हैं। मैंने थोड़ा सा करी पत्ता और थोड़ा सा हींग डाला है। इसे तड़कने के बाद डाल देंगे ये आलू, आंच को तेज पे रखेंगे और सबसे पहले ये तेल में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे आलू को। जैसे ये तेल में अच्छे से मिक्स हो जाए ना, अब हम इसमें डालेंगे सिर्फ हल्दी और नमक। इस टाइम पे सिर्फ हल्दी नमक डालना है। मिक्स करके सिर्फ दो मिनट तक ढक्कन बंद करके तेज आंच पे पकाना है। ज़्यादा देर तक ढक्कन बंद करके पका देंगे ना तो ये आलू टूट फूट जाएगा, फिर सब्जी अच्छी नहीं बनेगी। दो मिनट के बाद आंच को सिम करेंगे और इसका ढक्कन खोल करके 10 से 15 या फिर 20 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे और बीच बीच में मिक्स भी करते रहेंगे। आप इस तरीके से आलू की सब्ज़ी बनाइएगा, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा खाने में। अब देखिए कढ़ी हमें उबाल आ गई, अच्छे से कढ़ी कढ़ गई है, पक गई है। तो अब हम बनाते हैं पकौड़े। पकौड़े बनाने के लिए आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे फ्राई पैन लिया है ताकि एक बार में ज़्यादा मैं फ्राई कर सकूँ। तो मैं सब्जी बनाने वाले कढ़ाई में भी पकौड़े बनाती हूँ, वो उसमें भी अच्छी बनती है। तो पहले तेल को चेक कर लेंगे और तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तेल ज़्यादा गर्म होगा ना तो बेसन ऊपर से पकौड़े पक जाएंगे और अंदर से कच्चा रह जाएगा, फिर वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए तेल हमारा मीडियम गर्म से थोड़ा लो होना चाहिए। आंच को धीमी पे रख देंगे। इसके बाद छोटे छोटे ही पकौड़े डालना है, क्योंकि हमने इस बैटर को बहुत ज़्यादा फेटा है ना तो ये तेल में जाते ही डबल हो जाता है। देखिए जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, तो बस एक साइड फ्राई हो जाए ना पकौड़े तो दूसरे साइड हम पलट लेंगे और मध्यम से थोड़ा लो करके या फिर मध्यम आंच पर इसे फ्राई होने देंगे 3 से 4 या फिर 5 मिनट के लिए। तो देखिए कढ़ी में पकौड़ा डालने के लिए आप पकौड़े को ना ज़्यादा मत क्रिस्पी कीजिएगा, नहीं तो फिर ना वो ना कड़े कड़े रह जाते हैं। तो जैसे फ्राई हो जाए तो कढ़ी में डाल देंगे। कुछ पकौड़े मैंने ऐसे भी रख दिए थे खाने के लिए, क्योंकि ऐसे भी इस पकौड़े को खाने में अच्छा लगता है। अब मिक्स करके ढक के रखेंगे ताकि पकौड़े के अंदर अच्छे से कढ़ी एब्जॉर्ब हो जाए। और यहाँ पे तड़का पैन में लिया था थोड़ा सा घी, घी में डाला जीरा, तेज़पत्ता, लाल मिर्च और हींग। ये सब तड़कने के बाद लाल मिर्च डाला है। तड़के में आप यहाँ पे लहसुन और थोड़ा सा प्याज भी काट करके ले सकते हैं। और घी का तड़का करी में बहुत अच्छा लगता है। बस इस तड़का को इस पे डाल देंगे। 2-3 मिनट के बाद ढक्कन को हम खोलेंगे। अब देखिए आलू यहाँ पे हमारा पक गया है, फ्राई हो गया है, तो इसमें थोड़ा सा ही मसाला जाता है, थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर या फिर धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं। अब मसाला डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर से इसे पकने के लिए छोड़ देंगे 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो अब मैं साइड में थोड़ा सा चिप्स को फ्राई कर लूँगी, मतलब पापड़, आप लोग पता नहीं से क्या कहते हैं, हम लोग तो इसे पापड़ ही बोलते हैं। इसके बिना तो खाना हमारी अधूरी होती है। और देखिए वो सब्ज़ी को ना थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगता है पकने में, मतलब कि आलू तो जल्दी ही पक जाती है, फिर भी अच्छे टेस्ट लाने के लिए आलू को ना धीमी आंच पे थोड़ा ज़्यादा देर तक पकाते हैं ना,
तो वो अच्छा सा क्रिस्पी हो जाता है, फिर वो खाने में रोटी हो या फिर चावल बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो आप ना ये आलू की सब्ज़ी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा हमारे कहने पे, और अगर ट्राई करते हैं ना तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सच्ची में आपकी आलू की सब्ज़ी अच्छी बनी थी। आप देखिए हमारी चावल खिली खिली बनी है, मैंने ये पक्का चावल था फिर भी मैंने दो ही सीटी लगाई थी क्योंकि चावल को 10-15 मिनट के लिए भिगो दिया था इस वजह से। अब चलिए सर्व कर लेते हैं। तो आज की लंच बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी खाने में, और ये देखिए आलू की सब्ज़ी भी हमारी बन के तैयार है। चलिए कढ़ी को दिखाती हूँ। तो कढ़ी के पकौड़े और कढ़ी भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी, और वीडियो में आपको देखने से भी पता चल रहा होगा। तो देखिए कढ़ी ना तो ज़्यादा गाढ़ी है ना ज़्यादा पतली है, तो बस इसमें थोड़ा सा अगर कढ़ी पतली हो जाए तो बेसन बढ़ा सकते हैं, वो भी पहले बाद में नहीं, नहीं तो फिर वो ना बेसन कच्चा कच्चा लगता है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आप कौन से कंट्री से इस वीडियो को देखते हैं ज़रूर से बताइएगा, आपके एक कमेंट न्यू वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेट करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।